कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन रोलिंग मोशन बच्चों आज इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे तो बच्चों इससे पहले हमने काइनेटिक एनर्जी की स्टडी करी थी अगर रोलिंग मोशन है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है तो काइनेटिक एनर्जी को हमने बोला था इफ इट इज अ प्योर रोलिंग तो हाफ एम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास स्कवायर प्लस हाफ आई आई अबाउट यानी कि मोमेंटम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा स्क्वायर और इसमें हमारा यानी कि VCM इक्वल्स टू ओमेगा आर होता था VCM इक्वल्स टू ओमेगा रखते हुए हम काइनेटिक एनर्जी को फाइनली लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज़ 1/2 m VCM स्क्वायर प्लस हाफ और यहां पर आप i को एम के स्क्वायर रख दें तो आपके पास आ जाता है m वी सी एम स्क्वायर वी सी एम स्क्वायर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ये फाइनल हमारा टर्म बन गया था और इसको अगर हाफ एम वी सी एम स्क्वायर को आप कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास ये टर्म बन जाता है वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर यानी कि इसमें जो पहला टर्म है ये ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है और सेकेंड टर्म हमारी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है और बच्चों हमने के ड्यूरिंग ये स्टडी किया था कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रोलिंग ऑन द ग्राउंड सो सी इज एट रेलेटिव रेस्ट रेलेटिव रेस्ट पर होगा एंड नो स्लिपिंग इज देयर प्योर रोलिंग की कंडीशन में हमारी कोई भी स्लिपिंग नहीं होती है ओके तो सी रिलेटिव रेस्ट पर और जो फ्रिक्शन एक्ट होगा फ्रिक्शन इफ इफ देयर इज एनी फ्रिक्शन फ्रिक्शन विल बी स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा फ्रिक्शन स्टैटिक होता है तो so, बच्चों अगर हमारा हॉरिजेंटल सरफेस पर प्योर रोलिंग हो रही है प्योर रोलिंग हो रही है और यहां पर यह कंडीशन आ जाती है ओमेगा टू आर, कंडीशन है यानी कि सेंस ऑफ रोटेशन भी इस तरह से होना चाहिए इस पॉइंट की वेलोसिटी वी सी एम आगे और ओमेगा इनटू आर पीछे और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे वी सी एम और ओमेगा आर और इस तरह से सी आपका रेस्ट पर आ जाएगा तो इसको हम बोलते हैं प्योर रोलिंग जब बच्चों प्योर रोलिंग होगी तो यहां पर कोई भी टॉर्क नहीं होगा नो टॉर्क यहां पर अगर ये रफ सरफेस भी है इफ देयर इज एनी रफ सरफेस अगर ये हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल रफ सरफेस भी है तो यहां पर क्या होगा कि ये प्योर रोलिंग हो रही है यहां पर कोई स्लिपिंग नहीं है स्लिपिंग नहीं है तो फ्रिक्शन नहीं होगा अगर फ्रिक्शन होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा अगर ये हॉरिजेंटल सरफेस है इफ कंडीशन है

देयर विल बी नो फ्रिक्शन यानी कि सी रेस्ट पर है नो no स्लीपिंग है तो यानी कि यहां पर फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो होगी अनटिलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है यानी कि आपकी एफ एक्सटर्नल भी क्या है जीरो है तो उस कंडीशन में आपकी फ्रिक्शन भी जीरो रहेगा अगर आपने यहां पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो यहां पर फ्रिक्शन आ सकता है इट कैन बी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इट कैन बी इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एंड इट कैन बी जीरो आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ये कई डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में ये होता है तो बच्चों जैसे हम इसमें अगर देखें इफ इट इज प्योर रोलिंग ऑन द रफ सरफेस तो यहां पर जो फ्रिक्शन एक्ट होगा ही नहीं रफ भी है तो भी यहां पर फ्रिक्शन एक्ट नहीं होगा फ्रिक्शन एक्ट नहीं होगा तो इट विल कंटिन्यू टू तो मूव विद द constant velocity. So we can say we can say it will a body will continue to body will continue to move with constant Omega constant VCM and Omega. ना तो उसकी उमेगा चेंज होगी ना उसकी वीसीएम चेंज होगी लेकिन बच्चों अगर हम ऑन द इनक्लाइन प्लेन स्टडी करते हैं लेट से हमारा प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन, यानी कि इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन इज इस थीटा इसको आप थीटा कंसीडर करते हैं और यहां पर आपकी कोई भी बॉडी है ओके जिसका रेडियस आर है तो इस कंडीशन में इस कंडीशन में हमने देखा था कि जो एक्सलरेशन आ रहा था एक्सलोरेशन बच्चे आपको याद होगा जी साइन थीटा ओवर वन प्लस के स्कोय ये हमारा एक्सेलरेशन आ रहा था और हमारा अल्फा वाज ए दिस इज वाज द ए सी एम बाई आर और इस कंडीशन में इस कंडीशन में देखेंगे हमारी फ्रिक्शन की वैल्यू क्या थी फ्रिक्शन वाज आई सी एम अल्फा बाई आर ये था यानी कि इसको आप लिख सकते हो इज आई सीएम को फ्रिक्शन को क्या लिख सकते हो दैट इज एम के स्क्वायर बाई आर और अल्फा को ए सी एम बाई आर ये लिख सकते हैं तो हमारे फ्रिक्शन की वे जो वैल्यू आ रही थी हमने पहले कैलकुलेट की थी फ्रिक्शन की हमारी वैल्यू थी दैट इज एम जी साइन थीटा और यहां पर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को कॉमन लें तो one, ये आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर प्लस वन ये हमारी फ्रिक्शन की वैल्यू आ रही थी बिचार और ये फ्रिक्शन हमारा कैसा था ये स्टैटिक फ्रिक्शन था कैसा फ्रिक्शन था ये स्टैटिक फ्रिक्शन तो ये आपका ए सी एम होगा और ये स्टेटिक फ्रिक्शन होगा यहां पर फ्रिक्शन एक्ट होगा इट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन सॉरी इट विल बी इन द अप ए सी एम हम हमेशा इधर होगा ए सी एम इधर होगा ओके okay. अब ये ए सी एम इधर होगा तो अल्फा भी इसका इधर होगा अल्फा भी इस डायरेक्शन में होगा दिस विल बी अल्फा ओके अब इट डजेंट मैटर ये डाउन द इनक्लाइन जाए या अप द इन जाए यानी कि इसकी ओमेगा अगर इस डायरेक्शन में है तो अल्फा और ओमेगा सेम डायरेक्शन में होगी तो इसकी ओमेगा इंक्रीज होगी अगर, अगर इसकी ओमेगा यानी कि इट इज गोइंग अप द इनक्लाइन प्लेन अगर आपकी सर्कुलर बॉडी ये अप द इनक्लाइन जा रही है और इसका ओमेगा इस तरह है तो यहां पर अल्फा और ओमेगा दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से आपका ये ओमेगा कम होता जाएगा और ये धीमे धीमे अप द इनक्लाइन जाके एक जगह ये रुक जाएगा तो अगर ये डाउन द दा इनक्लाइन जा रहा है या अप द इनक्न जा रहा है फ्रिक्शन का डायरेक्शन एसीएम का डायरेक्शन और अल्फा का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा तो हम यहां पर स्टडी करते हैं कि अगर ये किसी एच हाइट से किसी एच हाइट से नीचे की तरफ आता है यानी कि इस पोजीशन पर आता है तो हमने बोला कि जो फ्रिक्शन लग रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन लगने की वजह से हम वी कैन से दैट वी कैन से दैट वर्क डन वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन क्या होगा जीरो होगा वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज जीरो सो वी कैन से दैट और एम जी को हम कंजर्वेटिव फोर्स मान लेंगे कंजर्वेटिव फोर्स सो वी कैन से दट टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंजर्व टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंजर्व यह हमारी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी तो जब यह डाउन द इनक्लाइन आएगा यानी कि कहने का मतलब है कि ये हमारी ये एंगल थीटा है यहां पर और ये अगर किसी एच हाइड से आपने इस सर्कुलर बॉडी को रिलीज किया इन इट विल रीच द बॉटम ऑफ द इनक्लाइन बॉटम ऑफ द इनक्लाइन में हम ये बोल सकते हैं कि लॉस इन वी कैन से दैट लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी बच्चों लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी यहां से अगर इसका मास एम है तो हम लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं एम जी एच और गेन इन काइनेटिक एनर्जी अब इस काइनेटिक एनर्जी में रोलिंग मोशन हो रहा होगा ये रफ रफ इंक्लाइन इंक्लाइन प्लेन प्लेन है दिस इज रोलिंग मोशन के ड्यूरेशन में तो क्या होगा कि यहां पर काइनेटिक एनर्जी दो टाइप की आएंगी यानी कि काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल तो दोनों को हम ये लिख सकते हैं हाफ एम वी सी एम सकते हैं तो आप यहां से इजिली यहां से एम MM एम आप कैंसिल कर दोगे तो यहां से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर आप यहां से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने जाएंगे तो वी सी एम की वैल्यू क्या होगी टू जी एच टू जी एच को आप इससे डिवाइड करेंगे यानी कि वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का रूट यहां पर आप इजीली दे सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल डिपेंड ऑन हाइट एच और इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर भी डिपेंड करेगा जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि जिसका के ज्यादा होगा जिसका के ज्यादा होगा यानी कि ये डिनोमिनेटर ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कम आएगी वेलोसिटी ऑफ ऑफ सेंटर मास कम आने की वजह से यहां का जो ट्रांजिशन टाइम है यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचने पर जो टाइम है वो भी वीसीएम पर डिपेंड करेगा तो आप ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकाल सकते हैं अगर ये डाउन द इंक्लाइन प्लेन आपकी सर्कुलर बॉडी आ रही है नेक्स्ट इज अप द इंक्लाइन अगर कोई भी प्योर रोलिंग की बॉडी इंक्लाइन प्लेन पर ऊपर जाती है तो यानी कि ऊपर जाने के लिए और ये आपको दे रखा है रफ सरफेस ओके रफ सरफेस है आपका इनिशियली बॉडी इज इन प्योर रोलिंग और ये बॉडी प्योर रोलिंग में है और इनिशियली इसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज बी सी एम इसका मास हम एम मान लेते हैं। तो हम इस कंडीशन में अगर ये प्योर रोलिंग करती हुई बॉडी एक इंक्लाइन प्लेन पर ऊपर जाती है तो हम हाइट अगर निकालनी है तो यहां पर भी हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकालेंगे क्योंकि जब भी भी बॉडी ये ऊपर जाएगी जब भी भी बॉडी ऊपर जाएगी तो पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि इसका फ्रिक्शन का डायरेक्शन ऊपर ही रहेगा और इसका ए नीचे ही रहेगा जो हमने निकाला था ए नीचे रहेगा और अल्फा इस डायरेक्शन में रहेगा यानी कि अगर ये ऊपर जा रही है तो ओमेगा इस डायरेक्शन में होगा अल्फा इस डायरेक्शन में होगा फ्रिक्शन फ्रिक्शन इसको ओमेगा के ऑपोजिट टॉर्क दे रहा होगा एसीएम नीचे होगा तो ऊपर जाते जाते ये धीमे होगी और रुक जाएगी यानी कि इसकी ओमेगा और वीसीएम, वीसीएम भी ऊपर होगी और अल्फा भी सॉरी ओमेगा भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी लेकिन अल्फा इसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा और एसीएम नीचे की तरफ होगा फ्रिक्शन ऊपर की तरफ होगा पहले तो ये ध्यान रखना है और अल्फा ऑपोजिट होने की वजह से ओमेगा कम होता जाएगा और VCM और ACM की डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से VCM भी कम होती जाएगी तो अल्टीमेटली ये ऊपर चढ़ने के बाद एक पोजीशन पर ये रुक जाएगा तो हम अगर हमें ये निकालना है कि ये मैक्सिमम हाइट कितना रीच करेगा तो उसके लिए वी कैन ऑल्सो अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्यों अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये फ्रिक्शन का वर्कडन वर्कडन बाई फ्रिक्शन जो भी वर्कडन बाई फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा जीरो होगा क्योंकि हमारा फ्रिक्शन कैसा है स्टेटिक फ्रिक्शन होगा इस कंडीशन में फ्रिक्शन फ्रिक्शन होगा, होगा, जीरो तो हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी यहां पर जाने के बाद इसकी रोटेशनल और ट्रांसलेशन दोनों ही जीरो हो जाएंगी क्योंकि इट इज प्योर रोलिंग थ्रू आउट द इनक्लाइन जो भी इंक्लाइन है इस पर प्योर रोलिंग करते हुए जा रहा है अगर वीसीएम जीरो हो गई तो ओमेगा आर ये भी जीरो हो जाएगी दोनों साथ में ही जीरो होने वाले हैं तो इसकी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी हम लिख सकते हैं और गेन इन पोटेंशियल एनर्जी लेट से एम जी एच एच हाइट अगर ये रीच करता है तो कायनेटिक एनर्जी और वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ये डिपेंड करेगी बच्चे कि कौन सा सर्कुलर बॉडी है डिस्क है स्पेयर है हॉलो स्फियर है इट डिपेंड के पर बहुत चीज डिपेंड करेंगी एम जी एच ओके यहां पर आप h निकालने के लिए यहां पर m कैंसिल हो जाएगा तो h तो की वैल्यू आपके पास वी सी एम स्क्वायर बाई टू जी इंटू वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर अब आप ये देखेंगे कि अगर सेम वी सी एम है बॉडी का तो जिस बॉडी का के ज्यादा होगा उसकी हाइट ज्यादा होगी क्योंकि ये फैक्टर भी साथ साथ एच डिटरमाइन करने में आता है तो यानी कि अगर आपके पास डिस्क है फॉर एग्जाम्पल डिस्क है तो उसका के हाफ के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हाफ होता है वर्सेस अगर आपके पास एक रिंग है तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर वन हो जाता है रिंग में तो यानी कि अगर आप रिंग को रोल करें सेम वी से तो वो ज्यादा हाइट जाएगी एज कंपेयर टू अगर डिस्क को एक वी यानी कि दो रिंग और डिस्क दोनों की वी इक्वल है तो रिंग यहां पर ज्यादा हाइट अचीव करेगी एज कंपेयर टू डिस्क क्योंकि इसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी ये रिंग की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू डिस्क तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन वीसीएम बट के एज वेल तो के को भी आपको ध्यान रखना है फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है अ डिस्क ऑफ रेडियस अ डिस्क ऑफ रेडियस ये डिस्क दी हुई है जिसका रेडियस दिया हुआ है आपको टू मीटर एंड मास इज गिवेन एज हंड्रेड के जी रोल्स ऑन ए हॉरिजेंटल फ्लोर सेंटर ऑफ मास स्पीड है ट्वेंटी सेंटीमीटर यानी कि वी सी एम कैन बी रिटेन एज जीरो पॉइंट टू मीटर पर सेकेंड विच इज इक्वल टू ट्वेंटी सेंटीमीटर पर सेकेंड अब ये रोल कर रहा है ऑन हॉरिजेंटल फ्लोर ओके अब ये रोल कर रहा है तो इसकी अब इसमें पूछा हुआ हाउ मच वर्क इज नीडेड टू स्टॉप इट यानी कि इसकी कायनेटिक एनर्जी है तो हम बोल सकते हैं अगर इसको करना है, तो वर्क काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल इसको हमने रोकना है फाइनल तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा हमें ये निकालना है तो जितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही हमें वर्क डन करना पड़ेगा और ये हमने कहाँ से किया ये वर्क एनर्जी थ्योरम से तो वर्क एनर्जी थ्योरम से हम ये बोल सकते हैं कि इसमें जितनी भी काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही हमें वर्क डन करना पड़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी को आप निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो हाफ एम वी सी एम स्क्वायर वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर अब बच्चो एम के स्क्वायर ये इसका मोमेंट ऑफ एनर्शिया होता है तो डिस्क का मोमेंट ऑफ एनर्शिया लिख सकते हैं हाफ एम आर स्क्वायर K की वैल्यू आप के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर अगर हम निकालोगे डिस्क के लिए तो वो आ जाएगा हाफ आपका हाफ ही आ जाएगा तो ये थ्री बाई टू हो जाएगा तो यू विल गेट दिस इज इक्वल टू थ्री बाई फोर एम इंटू वी सी एम स्क्वायर थ्री बाई फोर मास आपको हंड्रेड दिया हुआ है और वेलोसिटी जीरो पॉइंट दी हुई है तो आप इसको जीरो पॉइंट जीरो फोर आप ये ले सकते हैं तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 4 और इसको अगर कैंसिल कर देंगे तो आपके पास सिंपली आंसर आ जाएगा 3 जूस ये आपको दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस डिस्क जितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी है उतना ही हमें वर्क डन करना पड़ेगा टू स्टॉप दिस डिस्क नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर नीट टू का क्वेश्चन है यहां पर पूछा हुआ है स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी रोल्स ऑफ

मैक्सिमम हाइट एच इज गिवेन एज थ्री वी स्कर बाई फोर जी ये दी हुई है और पूछा है कि बॉडी कौन सी होगी तो अगेन हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे यहां पर और ये आप देख सकते हैं कि इट इज गिवेन है इट रोल्स यानी कि ये रोल करके ऊपर जा रहा है तो रोलिंग के लिए रोलिंग के लिए जो काइनेटिक एनर्जी हम लिखते हैं उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं दैट इज हाफ एम वी सी एम वी स्क्वायर VCM is given as v square, v square one plus k square by r square. इसको हम rolling के लिए translation plus kinetic दोनों mix करके लिख सकते हैं। और conservation of energy से ये कितना हो जाता है? mg h के बराबर हो जाता है। तो यहां से अगर आप h कैलकुलेट करते हैं, तो h की वैल्यू हमारी आती है v square by two g one plus k square by r square। और इन दिस क्वेश्चन एच आपको यहां पर गिवेन है यू कैन इसको आप कैंसिल हो होने के बाद इसको आप अगर सोल्व करेंगे तो ये आपको आ जाएगा दैट इज वन प्लस के स्कवायर बाई आर स्क्वायर विलकम आउट टू बी थ्री बाई टू यानी आपके पास के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू By आ जाएगी और के स्क्वायर की वैल्यू आर स्कवाई टू आएगी अगर एम से मल्टीप्लाई करें तो यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्क्वायर स्क्वायर विल कम आउट टू बी तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बच्चों किसका डिस्क तो आपका आंसर यहां पर हो जाएगा डिस्क ये बॉडी कौन सी होगी ये होगी डिस्क नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों क्या दे रखा है आप इसको ध्यान से देखें क्वेश्चन में दिया हुआ है अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास रेडियस रोल्स अप विदाउट स्लिपिंग डाउन द इंक्लाइन प्लेन ऑफ लेंथ एल दाइट एच द स्पीड ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास व्हेन द सिलेंडर रीच इट्स बॉटम तो बच्चों आप देखेंगे दो बार ये पूछा हुआ है जेई में 2003 में और 1989 में तो इट्स वेरी कॉमन क्वेश्चन तो ये कई बार जेई में भी पूछ लिया जाता है और कई बार

तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो एम एम कैंसिल हो जाएगा तो जी एच जी एच टू जी एच और यहां पर स्क्वायर को आप वन बाई टू से डिवाइड कर देंगे और इसका रूट करेंगे तो ये वी सी एम आ जाएगा आप इसको सॉल्व करेंगे तो वी सी एम आ जाएगा यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो वी सी एम की वैल्यू दिस विल बी थ्री बाई टू तो ये फोर बाई थ्री आपको मिल जाएगा यानी कि फोर जी एच वाई थ्री ये आपका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों क्या दिया हुआ है इसको ध्यान से देखो अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास थ्री के जी रोलिंग ऑन ए हॉरिजेंटल सरफेस ऑफ वेलोसिटी फोर मीटर पर सेकेंड इट कोलाइड्स विद अ विदिजेंटल स्प्रिंग ऑफ टू हंड्रेड न्यूटन पर मीटर यानी कि स्प्रिंग कॉन्स्टेंट दे रखा है मैक्सिमम कंप्रेशन इट वु प्रोड्यूस इन ए स्प्रिंग यानी कि स्प्रिंग के अंदर यहाँ पर कितना मैक्सिमम कंप्रेशन होगा ये हमने निकालना है तो बच्चों इसको हम कैसे निकाल सकते हैं हम इसको सीधे निकाल सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्योंकि और भी कोई इंफॉर्मेशन दे नहीं रखी है हमें तो यहाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगानी पड़ेगी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम बोलेंगे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी लॉस इन kinetic एनर्जी विल बी गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी ये पूरी एनर्जी कहां जाएगी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के पास चली जाएगी ओके okay. तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी हाफ एम वी सी एम स्क्वायर वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर और गेन इन का स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आप इसको लिख सकते हो हाफ के एक्सो अब इसको आपको ये डेटा दिया हुआ है हाफ मास दिया हुआ है आपको थ्री के जी वोसिटी यानी कि आपको फोर दी हुई है फोर स्क्वायर और यहां पर ये सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है तो ये वन बाई टू हो जाएगा और दिस इज वन बाई टू इन टू टू हंड्रेड इंटू एक्स स्क्वायर आप इसको सॉल्व करेंगे हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा दिस इज थ्री दिस इज फोर स्क्वायर और ये आ जाएगा थ्री बाई टू यानी कि थ्री इंटू फोर स्क्वायर इंटू थ्री बाई टू और आप यहाँ से टू हंड्रेड को यहां से कॉमन ले आएंगे equals to x square. तो यहां से अगर आप एक्स सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा थ्री इंटू फोर बाई ट्वेंटी एक्स की वैल्यू आपके पास थ्री बाई फाइव एक्स इक्व टू थ्री बाई फाइव इक्व टू जीरो पॉइंट सिक्स मीटर यानी कि 60 सेंटीमीटर आ जाएगा और आपका इस केस में आंसर हो जाएगा बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां पर ये बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ है सेम टाइप के पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है ये सारे क्वेश्चन अ सॉलिड स्पेयर एंड सॉलिड सिलेंडर ऑफ आइडेंटिकल रेडियाई अप्रोच इज ए इंक्लाइन प्लेन विद सेम लीनियर वेलॉसिटी सी फिगर बोथ रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑल थ्रू आउट टू मैक्सिमम हाइट हाइट ऑफ द स्पयर एंड ऑफ दिलेंडर स्पेयर और सिलेंडर so इस केस में हमें क्या करना है इस केस में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम निकाल निक, बोल सकते हैं कि लॉस इन का एनर्जी टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी लॉस इन का एनर्जी बाई आर स्क्वायर और गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होगा आपका एम जी एच तो आप यहां से एच की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एच विल बी वी सी एम स्क्वायर बाई टू जी और ये आएगा वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ओके तो फॉर स्फेयर स्फेयर की बात करें हम स्फेयर की बात करें तो हमारा एम के स्क्वायर इज इक्वल टू टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर ये होता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो यहां पर आपके के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ जाएगी टू बाई फाइव फॉर स्फेयर और अगर सिलेंडर की बात करें फॉर सिलेंडर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमारी आती है वन बाई टू तो इसमें अगर हाइट की बात करें ये हाइट होगी हाइट ऑफ हाइट ऑफ स्फीयर हाइट ऑफ स्फीयर की अगर हम बात करें वो होगी वी सी एम स्क्वायर बाई टू जी मल्टीप्लाई करेंगे वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर यहां पर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू टू बाई फाइव यानी कि ये टू बाई फाइव आ जाएगा और अगर हाइट ऑफ सिलेंडर हाइट ऑफ सिलेंडर से डिवाइड करें तो अगेन ये होगा वी स्क्वायर बाई टू जी वन प्लस बाई आर स्क्वायर इस केस में कितना है आप देख सकते हो हाफ है अब यहां पर दोनों की वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी सेम रखी तो ये टर्म हमारे कैंसिल हो जाएंगे ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे और यहां पर आपके पास आ जाएगा दिस इज वन प्लस सो दिस विल विल यू यू गेट और यहां पर ये यह आ जाएगा आपके पास थ्री बाई टू इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा बाई फिफ्टी ये रेशियो कितना होगा आपका होगा फोर्टीन बाई फिफ्टी और आंसर होगा आपका सी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन रोलिंग मोशन तो बच्चों हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी कि एंगुलर मोमेंटम इन रोलिंग मोशन की स्टडी करी थी यानी कि ये अगर वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है और यहां पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है ओमेगा तो इफ इट इज नॉट प्योर रोलिंग सपोज करो इफ इट इज नॉट प्योर रोलिंग तो यहां पर एक फ्रिक्शन एक्ट होगा ओके okay. और यहां पर ओमेगा लेट्स से आपको दे रखा है वीसीएम बाई टू आर ये कंडीशन दे रखी है तो आप देखेंगे कि ओमेगा आर की वैल्यू ओमेगा आर इज वी सी एम बाई टू विच इज नॉट इक्वस टू वी सी एम ओमेगा आर की वैल्यू नहीं है, तो इट इज नॉट प्योर रोलिंग नॉट प्योर रोलिंग तो यहां पर बच्चों क्या होगा ये होगी रोलिंग विद स्लिपिंग रोलिंग विद स्लिपिंग यहां पर स्लिप हो रहा होगा और रोलिंग होगी तो यहां पर जो बच्चों फ्रिक्शन एक्ट होगा फ्रिक्शन के लिए हम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट देखेंगे फ्रिक्शन की बात करेंगे तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट देखेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में आप देखेंगे कि वी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा और ओमेगा आर बैकवर्ड डायरेक्शन में यानी कि इसको अगर पॉइंट पी बोलते हैं तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विल बी वी माइनस ओमेगा आर और वी सी एम ओमेगा यह तो आ जाएगी वी सी एम बाई टू यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज नॉट एट रेस्ट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट इज नॉट वेलॉसिटी जीरो नहीं है क्योंकि रोलिंग विद स्लिपिंग है अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी जीरो नहीं है तो जो फ्रिक्शन एक्ट होगा तो यहां पर क्या होगा स्लिपिंग हो रही है स्लिपिंग हो रही है तो हमारा फ्रिक्शन कैसा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन होगा काइनेटिक फ्रिक्शन होगा काइनेटिक फ्रिक्शन होने की वजह से हम बोल देंगे देयर विल बी अ लॉस इन एनर्जी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा वी कैन से दैट एनर्जी विल नॉट बी कंजर्व एनर्जी कंजर्व नहीं होगी एनर्जी नॉट कंजर्व इस केस में हम ये बोल सकते हैं तो बच्चों यहां पर फ्रिक्शन है और हमारा मोमेंटम भी कंजर्व नहीं होगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स है मोमेंटम की बात करें लीनियर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम दैट इज टू दू सी एम इज ऑल्सो नॉट कंजर्व बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फ्रिक्शन फोर्स बट अगर बच्चों आप देखें अगर आप देखें हैं लेट से कोई भी पॉइंट हम ग्राउंड पर कंसिडर कर लेते हैं ग्वेंट पॉइंट ग्राउंड पर कंसीडर कर सकते हैं आप कोई भी पॉइंट यहां पर कंसीडर कर सकते हैं लेट से दिस इज पॉइंट ओ ओके अबाउट अगर आप इसका एंगुलर मोमेंटम देखेंगे तो पहले तो देखेंगे फ्रिक्शन फ्रिक्शन फोर्स फ्रिक्शन फोर्स पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू ओ ओ से पास कर रही है तो हम बोल सकते हैं टॉर्क अबाउट ओ टॉर्क अबाउट ओ विल बी जीरो क्योंकि अगर हम टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट लेंगे ओ पॉइंट के अबाउट लेंगे तो ये ये फ्रिक्शन यहां से पास कर जाएगा तो टॉर्क ऑफ द फ्रिक्शन अबाउट ओ जीरो हो जाएगा तो यहां पर जो हमारा होता है आर क्रॉस एफ इसमें आर जीरो हो जाएगा तो टॉर्क अबाउट ओ विल बी जीरो क्योंकि ये फ्रिक्शन इसी पॉइंट से पास करेगी तो ऑब्वियसली हमारा टॉर्क अबाउट ओ जीरो हो जाएगा टॉर्क अबाउट जीरो होने की वजह से हम बोल सकते हैं एंगुलर मोमेंटम यानी कि डी एल बाई डी टी अबाउट ओ विल बी जीरो एंगुलर मोमेंटम अबाउट क्या होगा रेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम विल बी जीरो तो यहां पर ये बोल सकते हैं एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ विल बी कंजर्व इस सिचुएशन में ना तो आपकी एनर्जी एनर्जी कंजर्व नहीं है एनर्जी नॉट कंजर्व ओके लीनियर मोमेंटम पी नॉट कंजर्व कंजर्व बट एंगुलर मोमेंटम अगर एंगुलर मोमेंटम की बात आ रहे बट एंगुलर मोमेंटम एक स्पेसिफिक पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैन बी कंजर्व कैन बी कंजर्व बच्चों यहां पर कैन बी क्यों लगाया कैन बी है सिर्फ कोई भी पॉइंट विच इज लाइंग ऑन द कॉन्टेक्ट सरफेस सरफेस पर कोई भी पॉइंट होगा उसके अबाउट एंग्लोमटम कंजर्व होगा अदरवाइज किसी पॉइंट के अबाउट कंजर्व नहीं होगा क्योंकि फ्रिक्शन यहां पर एक्ट हो रहा है तो इसका टॉर्क इस सरफेस पर कोई भी पॉइंट आप कंसीडर करेंगे उससे पास करेगी ये फ्रिक्शन तो उसके अबाउट आपका टॉर्क जीरो रहेगा तो हम बोल सकते हैं कि एंगुलो मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट ऑन विल बी तो एंगुलो होगा, तो VCM भी डिक्रीज होती है और आपकी ओमेगा इंक्रीज होती है अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखेंगे तो ये टॉर्क इंक्रीज होगा फ्रिक्शन कैसा टॉर्क लगाएगा क्लॉकवाइज टॉर्क लगाएगा क्लॉकवाइज टॉर्क लगाने की वजह से आपकी ओमेगा इंक्रीज होगी क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क लगाएगा तो अल्फा भी क्लॉकवाइज आएगा तो ओमेगा इंक्रीज होगी और वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन है तो आपकी वी डिक्रीज होगी ऐसा क्यों बोल रहे हैं वी क्योंकि अगर फ्रिक्शन ए की फोर्स है इन बैकवर्ड डायरेक्शन तो ए पीछे होगा ए पीछे होगा तो वी रिटार्ड करेगा और डिक्रीज होगा तो अभी हमारे पास क्या है वी सी इज ग्रेटर देन ओमेगा अभी इस सिचुएशन में लेकिन हम ओमेगा को इंक्रीज करें वीसीएम को डिक्रीज करें एट सम 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 टाइम, एट पॉइंट, पॉइंट, प्राइम विल बी इक्वल टू तो ओमेगा प्राइम आर किसी भी पॉइंट पर ऐसा होगा कि वीसीएम डिक्रीज होके वीसीएम प्राइम हो गई और ओमेगा इंक्रीज होके ओमेगा प्राइम आर हो गई तो उस कंडीशन में एट दिस कंडीशन हम मान लेते हैं इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा प्राइम है और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाए वी वी प्राइम तो इस पॉइंट पर अब पॉइंट पी की वेलोसिटी इस कंडीशन पे वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विल बी जीरो इस कंडीशन पे तो यहां पर फ्रिक्शन क्या होगा फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी जीरो हो गया और इट इज नॉट एक्सेलरेटिंग यहां पर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है तो ये प्योर रोलिंग जब करेगा तो हॉरिजेंटल सरफेस पर यहां पर पॉइंट वेलोसिटी जीरो हो जाती है वेलोसिटी जीरो हो जाती है तो यहां पर फ्रिक्शन भी जीरो हो जाएगा फ्रिक्शन जीरो होने की वजह से बच्चों यहां पर ना तो वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा ना ओमेगा में के कोई चेंज हो जाएगा देन इट विल कंटिन्यू टू कंटिन्यू कंटिन्यू प्योर रोलिंग इसके बाद इसकी प्योर रोलिंग कंटिन्यू रहेगी प्योर रोलिंग कंटिन्यू हो रही है। तो बच्चों हमसे जनरली क्या पूछा जाता है कि फाइंड द वेलोसिटी वी प्राइम एंड ओमेगा प्राइम व्हेन इट कंटिन्यू प्योर रोलिंग ओके तो अगर आपको पूछा जाए व्हाट विल बी द वट प्राइम एंड ओमेगा प्राइम व्हेन बॉडी स्टार्ट्स प्योर रोलिंग उस केस में बच्चों सबसे इजी मेथड होता है एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ आप इनिशियली लिखेंगे इनिशियली लिखेंगे इनिशियली तो हम क्या बोलते हैं दैट इज एम आर इंटू आर क्रॉस एंगुलर मोमेंटम एम वी सी एम प्लस मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास आईसीएम इंटू ओमेगा ये लिखते हैं और फाइनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ अगर आप लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं आर प्राइम क्रॉस एम वी सी एम प्राइम प्लस आईसीएम ओमेगा प्राइम ये हम लिख सकते हैं और इस कंडीशन में आपको दिया हुआ है कि V प्राइम इक्व टू ओमेगा प्राइम आर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो इसको अगर आप सॉल्व करें इसको एक बारी हम कॉपी कर लेते हैं यहां से यहां पर अगर हम कॉपी कर लेते हैं तो एंगुलर मोमेंटम को हम देख पाएंगे कि अगर स्टार्टिंग में हम देखें स्टार्टिंग में हम देखें तो यहां पर ये यह आर होगा और ये वी है तो ये आर परपेंडिकुलर कितना होगा कैपिटल आर के बराबर हमने ये ऑलरेडी हमने देखा था कि रोलिंग मोशन में अगर एंगुलर मोमेंटम किसी पॉइंट के अबाउट लिखना है तो यहां पर ये यह क्या होगा दिस इज आर वैक्टर और ये थीटा होगा तो आर साइन थीटा क्या आएगा दिस इज ऑल्सो थीटा आर साइन थीटा आर परपेंडिकुलर आता है और ये फिक्स होगा इट इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन में कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा होता है तो उसका सेंटर ऑफ पार्टिकल की तरह इसके सेंटर ऑफ मास का पेंडिकुलर अबाउट दिस पॉइंट अगर ये किसी भी इंटरमीडिएट पॉइंट पर पहुंचा यहाँ पर वीसीएम ये होगी तो आप देखेंगे आर पारेंडिकुलर विल रिमेन सेम कैपिटल आर ओके तो हम ये लिख सकते हैं आईसीएम इन टू तो आप इसको लिख सकते हो मोमेंटम इनिशियली कैन बी रिटेन एज आर और दूसरा देखेंगे अब ये आगे जाएगा इस पॉइंट के तो ये क्लॉकवाइज होगा और ये भी क्लॉकवाइज होगा दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे तो यू कैन राइट एम वी सी एम इन आर प्लस आईसीएम ओमेगा आप इसको आईसीएम को लिख सकते हो एम के स्क्वायर और ओमेगा आपको दी हुई है वी सी एम बाई टू आर ये आपको दी हुई है सी एम बाई टू आर आपको ओमेगा दी हुई है यहां पर आप देख सकते हैं दिस इज वी सी एम बाई टू आर तो ये आपका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा फाइनल एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए आप क्या करेंगे दैट एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ फाइनली आर इंटू ये हमारा फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा सॉरी दिस इज फाइनल दिस इज फाइनल तो ये हमारा फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा फाइनल एंगुलर मोमेंटम होने के लिए पहले हम इसके सेंटर ऑफ मास का लिखेंगे एज ए पॉइंट पार्टिकल और फिर इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास तो ये इस पॉइंट पर पहुंच चुका होगा तो यहां से देखेंगे ये आर तो बहुत बड़ा होगा लेकिन आप देखेंगे ये थीटा स्मॉल हो चुका होगा तो यहां पर आर पर विल रिमेन सेम तो यहां पर क्या आएगा सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा आर इंटू आर इंटू एम वी सी एम प्राइम अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है वी सी एम प्राइम प्लस आई को हम लिख सकते हैं आई एम के स्क्वायर और ओमेगा ओमेगा को क्योंकि अब यहां पर प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई है ये कंडीशन में हमने प्योर रोलिंग मानी है तो हमारा ओमेगा क्या होगा वी सी एम प्राइम वी सी एम प्राइम बाई आर यह हमारी कंडीशन हो जाएगी आप इन दोनों को इक्वेट करोगे दिस इज द एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ फाइनल इनिशियल तो आप कंजर्वेशन में क्या करेंगे कि एंग्लोमोटम अबाउट ओ इनिशियल मस्ट बी एंगलोमोटम अबाउट ओ फाइनल ये कंडीशन आएगी तो इससे आपको क्या मिल जाएगा दैट इज आर इन टू एम वी सी एम प्लस एम के स्क्वायर इंटू वी सी एम बाई आर इंटू टू आर इक्वस टू यहां पर आप देखेंगे दैट इज एम वी सी एम प्राइम आर एम वी सी एम प्राइम आर है अगर यहां पर आप इसको लिख सकते हैं एम वी सी एम प्राइम के स्क्वायर यहां पर यह आर है अगर ये आर से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं आर से एक डिवाइड कर देते हैं तो आपको ये फाइनल टर्म मिल जाएगा एम वी सी एम प्राइम आर कॉमन और यहां पर ये यह आ जाएगा वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ये आ जाएगा और आप यहां पर देखेंगे यहां पर ये यह कंडीशन क्या आ जाएगी that इज एम वी सी एम okay plus आर ओके प्लस यहां पर यह आपके पास एम वी सी एम बाई टू आर यानी कि के स्क्वायर बाई टू आर आ रहा है तो आप आर से मल्टीप्लाई करके R आर से डिवाइड करेंगे और यहां पर ये कंडीशन आ जाएगी आपके पास एम वी सी एम आर वन प्लस के स्क्वायर बाई टू आर ये कंडीशन आ जाएगी तो ये आपके पास एम आर इन वी सी एम प्राइम वन प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ये आ गई है इन जनरल बॉडी के लिए हमने लेट्स ए लेट्स अज्यूम के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज वन बाई टू यानी कि डिस्क अगर अज्यूम कर रहे हो आप डिस्क हम अज्यूम कर लेते हैं इट इज अ डिस्क देन इसमें क्या होगा हमारा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा एम वी सी एम इन आर प्लस तो वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर वन बाई टू है और ये हाफ तो ये हो जाएगा वन बाई फोर और यहां पर एम वी आर इंटू वी सी एम प्राइम और ये यहां पर वन प्लस वन बाई टू ये हो जाएगा इसको आप देखेंगे एम आर एम आर आपका कैंसिल हो जाएगा तो ये वी सी एम बचेगा और यहां पर और ये वी सी एम प्राइम बचेगा तो यू कैन से दाइव बाई फोर वी सी एम इक्वल टू वी सी एम प्राइम इंटू थ्री बाई टू आप इसको सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा दैट इज फाइव बाई सिक्स वी सी एम ये आपको वी सी एम प्राइम की वैल्यू मिल जाएगी और ओमेगा प्राइम की वैल्यू आप निकाल सकते हो वी सी एम बाई आर दट इज फाइव बाई सी एम बाई आर ये आपकी ओमेगा प्राइम हो जाएगी तो बाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आप ये चीज भी टैकल कर सकते हो विच वॉज नॉट पॉसिबल के आप लीनियर मोमेंटम या एनर्जी कंजर्वेशन से इसको कर सकते थे तो दिस कैन ओनली बी पॉसिबल बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो मोमेंटम में एडवांटेज क्या थी कि अगर हम जो लाइन ऑफ फोर्स है वहां पर कोई पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं तो उसके अबाउट क्या हो जाता है टॉर्क जीरो हो जाता है और उस पॉइंट के अबाउट हम मोमेंटम कंजर्व कर पाते हैं बच्चों ये क्वेश्चन देखो ये इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अ लूप ऑफ लूप मतलब यहां पर रिंग दिया हुआ है लूप और रेडियस आर एन मास्क मास रोटेटिंग विजल सरफेलिटी ऑफ द सेंटर ऑफ हु को ही बोल रहे वट विल बी वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ द हुप वेन इट सीजेस टू स्लिप यानी कि स्लिप नहीं हो रहा है प्योर रोलिंग हो रहा है तो इस बच इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो बच्चों लैंग्वेज में क्या दिया हुआ है कि आपके पास एक रिंग है जिसका एंगुलर वेलोसिटी आपको दी हुई है ओमेगा नॉट और वीसीएम आपको जीरो दी हुई है वीसीएम क्या है इसकी जीरो और इसको रफ सरफेस पर रख दिया जाता है इसको एंगुलर वेलोसिटी प्रोवाइड करके एक रफ सरफेस पर रख दिया जाता है उसके बाद आपको पूछा गया है कि वेन इट विल स्टार्ट प्योर रोलिंग वेन इट विल स्टार्ट प्योर रोलिंग देन वी नीड टू फाइंड

पॉइंट की वेलोसिटी आपकी डिटरमाइन करती है फ्रिक्शन का डायरेक्शन आप देख रहे हैं इसकी वेलोसिटी क्या है वेलोसिटी ओमेगा ओमेगा नॉट नॉट है तो ये तो ये पॉइंट ऑफ विल बी गोइंग इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन विद स्पीड इनटू आर ये पॉइंट अगर पीछे की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन इसको विल ट्राई टू स्टॉप इट फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा यह ध्यान रखना है बच्चों तो फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा बट ड मैटर फ्रिक्शन विल बी अलॉन्ग द सर्फेस ओनली तो हम कोई भी पॉइंट यहां पर ओ कंसीडर कर सकते हैं और हम बोल सकते हैं कि टॉर्क अबाउट ओ इंप्लाइज इम्प्लाइज मोमेंटम अबाउट ओ इज़ीली क्योंकि थ्रू आउट जर्नी आप अगर यहां पर देखेंगे तो अगर ये इंटरमीडिएट कहीं पोजीशन पर है तो फ्रिक्शन आपका यहीं जा रहा होगा फ्रिक्शन अगर इस पॉइंट से जा रहा होगा तो आपका टॉर्क अबाउट ओ स्टिल जीरो होगा तो आप हमेशा इसका लाइन ऑफ फोर्स यही रहेगा तो टॉर्क अबाउट ओ हमेशा जीरो इनिशियल तो कंडीशन है ये फाइनल कंडीशन है दोनों में हमने कंजर्व करना है तो हम मोमेंटम इनिशियली लिख लेते हैं मोमेंटम अबाउट ओ इनिशियली वीसीएम तो जीरो है जैसे आर इंटू वी हम लिखते थे ये हमारा जीरो आ जाएगा क्योंकि वी सी है प्लस आईसीएम ओमेगा तो आईसीएम आईसीएम इन ओमेगा तो आप देखेंगे क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होगा आईसीएम की वैल्यू हम क्योंकि इन्होंने हुप यानी कि रिंग लिए हुआ है इसको ओमेगा नॉट एम आर स्कवायर इंटू उमेगा नॉट ये ले सकते हैं इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम फाइनली कैन बी रिटन एज अब यहां पर आपको लेना पड़ेगा आर क्रॉस एम वी सी एम और प्लस आईसीएम दिस इज ओमेगा ओके अब यहां पर देखेंगे कि अगर ये इस पॉइंट पर पहुंच जाता है इस पॉइंट पर पहुंच जाता है तो हम इसको आर परपेंडिकुलर इंटू वी सी एम लिख सकते हैं और आर परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी स्मॉल आर ये होगी आर परपेंडिकुलर और इंटू एम वी सी एम प्लस आई सी एम को आप लिख सकते हो एम आर स्क्वा इंटू ओमेगा अब यहां पर आप देखेंगे सॉरी यहां पर आर आपका स्मॉल आएगा आर विल बी स्मॉल आर आर तो आप इसको लिख सकते हो एम vcm सी एम इंटू आर प्लस एम आर और आर ओमेगा आर ओमेगा को हम वी सी एम लिख सकते हैं तो फाइनली यू विल गेट एम वी सी एम इंटू आर प्लस एम आर इंटू वी सी एम तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम आपका टू एम वी सी एम इंटू आर हो जाएगा तो ये आपका मोमेंटम फाइनल है ये यह मोमेंटम इनिशियल है, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो आपके पास एम सॉरी ये भी आपका स्मॉल आर बी स्मॉल आर तो एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट इक्वल टू टू एम वी सी एम इंटू आर आप यहां से एम एम कैंसिल कर देंगे आर आर कैंसिल करेंगे तो वी की वैल्यू आपको आर ओमेगा नॉट बाई टू यह मिल जाएगी तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में मोमेंटम कंजर्व करके आपको आर ओमेगा नॉट बाई टू यानी कि सी ऑप्शन आपका मिल गया है तो आंसर विल बी